जो श्लोक है वो बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें प्रभु को प्रणाम किया गया है। हम पुनः उसका दर्शन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद रूप श्री विग्रह भगवान का है और उसमें भगवान को प्रणाम करने की एक परंपरा है। वेदव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम् नुमः। हम सभी एक यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? कहा श्री कृष्णाय वयम् नुमः, मतलब यहां पर आप ये समझना कि यहां पर अकेले भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है, श्री सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। श्री सहित भगवान को प्रणाम किया तो उसका कुछ विशेष अर्थ है। यहां पर श्री का एक मतलब तो होता है लक्ष्मी मैया, अभी अभी दीपावली गई है, श्री पूजन हुआ, तो एक स्वरूप है श्री का लक्ष्मी रूप में, एक स्वरूप है श्री का श्री राधा जी के रूप में। और वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट भेद है, श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्याह ऐसा करके जो मंत्र आता है उसमें यह भेद स्पष्ट है कि श्री माने लक्ष्मी है, श्री माने राधा भी है। पर कौन से श्री की बात कर रहे हैं वेदव्यास जी भगवान? तो यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्री माने अगर आप लक्ष्मी लें तो लक्ष्मी तो वो है जो बैकुंठ में भगवान के चरण दबाती हैं, लेकिन भागवत के रस में अगर आपको उतरना है तो उस श्री से मतलब मत लीजिएगा जो श्री बैकुंठ में भगवान के चरण दबाती है, बल्कि यहां पर श्री का तात्पर्य यह है कि जिसके चरण स्वयं भगवान दबाते हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन, किसी ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे, तो बोले श्री राधा रानी के चरणों में मिलेंगे भगवान। तो वो श्री है जिसमें भगवान के कथा रस का पान करवाने की हमारे आपको क्षमता है, जिस श्री की कृपा के बिना कृष्ण दर्शन हो ही नहीं सकते, उन श्री कृष्णाय वयम नुमः को प्रणाम करते हैं वेदव्यास जी। नाम का तो मतलब हम कल ही सुन चुके हैं, काम का भी मतलब समझा दिया, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भगवान के कार्य हैं। इस विश्व को उत्पन्न करना, सृजन करना, जब तक इसको स्थिति रखना है तब तक इसका पालन पोषण करना और समय आने पर इसको नष्ट कर देना, ये भगवान का कार्य है। और जितना सुंदर भगवान का नाम है, जितना अच्छा भगवान का काम है, इस श्लोक में उससे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि सबसे सुंदर भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।
जिनको एक बार जीव प्रणाम बस कर ले और प्रणाम करने मात्र से ही तीनों तापों को, ताप मतलब दुख, तो ताप त्रय तीन प्रकार के दुख होते हैं। वैसे तो आपसे, हमसे अगर कोई पूछे कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो हम तो कहेंगे कोई अंत ही नहीं है, हजारों प्रकार के दुख हैं, लाखों प्रकार के दुख हैं। पर मुख्य दुख जो है, जिनको ताप त्रय कहा गया, वो तीन प्रकार के हैं। आध्यात्मिक पहला, दूसरा आधिदैविक और तीसरा है आधि भौतिक। और ये तीनों प्रकार के दुखों का नाश भगवान करते हैं केवल यदि जीव बस प्रणाम भर कर ले तो, और प्रणाम भी नहीं करे, केवल परमात्मा के मन ही मन शरण में जाए, प्रभु कभी तीनों प्रकार के दुखों को फटकने भी नहीं देते। पर विश्वास की चर्चा है, भागवत जी के महात्म्य के जो 6 अध्याय हैं, बहुत ध्यान से आप समझना, इस 6 अध्याय में इन तीनों प्रकार के दुख और तीनों को भगवान कैसे नष्ट करते हैं, इसी की बात बताई गई है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जब प्रकरण आया, तो वो आध्यात्मिक दुख और उसके निवारण की चर्चा है। आत्मदेव का जब प्रकरण आया, तो आत्मदेव और गोकर्ण जी की जो बात चली, उसमें आधि दैविक दुख और उसके निवारण की चर्चा है। और धुंधकारी जो भगवान की कथा सुन करके प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तो वो आधि भौतिक दुख और उसके निवारण की कथा है। तो तीनों चीजें हैं, तीनों को पहले स्पष्ट कर दिया कि तीनों तापों को परमात्मा नष्ट करते हैं, और कैसे, तो इसके लिए महात्म्य के ये 6 अध्याय हैं, पद्म पुराण से लिए गए हैं। सर्वप्रथम इसमें जो चर्चा आती है वो भक्ति मैया की चर्चा है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। बड़ी सुंदर कथा है, पद्म पुराण के 6 अध्याय लिए गए हैं, और उसमें से इस चर्चा को निकाला गया है। भागवत में भक्ति प्रकरण ही मुख्य है, तो उसमें कथा का प्रारंभ होता है भक्ति मैया की कथा से। और इस कथा को कहता भी कौन है, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। भक्ति प्रकरण तो है, लेकिन इसको कहने और सुनने वाले कोई साधारण लोग नहीं है। कल हमने चर्चा की थी ना कि नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं, उनको व्यास जी के शिष्य सूत पुराणी जी बताते हैं, और उन महात्माओं के बीच में ये चर्चा चली है। तो नैमिषारण्य में जो महात्मा लोग बैठे हैं वो साधारण लोग तो नहीं है। गिरिकंदराओं में बैठ करके कई कई साल, हजारों लाखों साल तप करते हैं, पर फिर भी जब भक्ति की चर्चा होती है, तो ये लोग अपने त्याग तपस्या को एक किनारे करके और भगवान का सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं। इस कथा को कहने सुनने वाले कौन है? भक्ति, भक्ति की चर्चा कौन करता है? स्वयं सुखदेव जी महाराज करते हैं। सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और भक्ति की ही चर्चा हर जगह करते हैं। और सुखदेव जी कोई साधारण महात्मा नहीं है, उनके पास दुनिया की वो हर चीज है जो ज्ञानियों के लिए जरूरी होती है। उनको ना कथा कहना है, ना सुनने की जरूरत है, ना उनको कुछ जानने की, सीखने की जरूरत है। सब कुछ वो जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म दृष्टा हैं, फिर भी भक्ति की चर्चा करते हैं, फिर भी कथा और सत्संग की चर्चा करते हैं। जब सुखदेव जी की वंदना की गई है भागवत में,
तो उसमें इस बात को बहुत अच्छे रूप में समझाया गया है। और उसमें सुखदेव जी के वंदना प्रकरण का जो श्लोक है वो बहुत सुंदर है भागवत जी में। आइए हम भी उसका दर्शन करते हैं। कियम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोष्मि। देखिए सत्संग कौन करवा रहा है। अब यहां से जो श्लोक है ना, सुखदेव जी को हम समझ रहे हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत परीक्षित जी को माध्यम बना करके इस संसार को दी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक चर्चा के लिए बस टेक ऑफ करने जा रहे हैं। इसलिए मन अगर इधर उधर हो, कहीं भोजन वोजन ना हुआ हो, तो थोड़ा सा धैर्य रख के और इस आध्यात्मिक प्रसाद को ग्रहण करिए और बड़े एकाग्रता से सुनिए। बड़ा आनंद आता है भागवत के इन श्लोकों में। किसकी बात कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति की चर्चा है, तो कितना सुंदर श्लोक आया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो प्रव्रजंत महात्मा तो है ही, जन्म हुआ और ये घर छोड़ के निकल गए, जन्म लेते ही घर त्याग के चले गए। क्यों? क्योंकि इनको किसी भी प्रकार की, किसी भी संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपेतम अपेत कृत्य महात्मा है। अपेत कृत्य मतलब क्या, संस्कृत भाषा का आनंद देखिए। अपेत कृत्य का मतलब है कि जिसका पेट इतना भरा हुआ हो कि हम कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा भोजन हो जाता है तो कहते हैं कि अब तो बस गले तक भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। तो गले तक नहीं भरता है भोजन, पर हम संकेत देते हैं कि हमारा पेट इतना भर चुका है कि अब उसमें थोड़ी सी भी कोई चीज नहीं जा सकती। अपेत कृत्य मतलब पूर्ण तृप्त, पूरी तरीके से भरा हुआ। तो ये अपेत कृत्य है, इनको किसी ज्ञानवान की कोई जरूरत नहीं है, पूरे भरे हुए हैं, पूर्ण हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनुपेतम, फिर भी इन्होंने पिया। तो जब पूरे भरे हुए हैं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो क्या खा लिए, क्या पी गए? तो बोले पूर्ण भरने के बाद भी, पूर्ण तृप्त होने के बाद भी इन्होंने भागवत कथा रूपी रस को पिया है। क्योंकि मनुष्य कितना भी, मतलब हम आप सभी कितना भी पेट भर के खा लें, लेकिन उसके बाद भोजन करने के बाद अगर एक कोई अच्छा सा कोई पान बना के ले आए तो कितने आनंद से खा लेते ना आप सभी। तो पेट तो भर गया था भोजन से, तो आप कहते हैं भोजन से तो पेट भर गया, लेकिन ये तो पान का बीड़ा है, रस देगा और पचाएगा भी भोजन को। तो ज्ञान से तो पूर्ण भरे हुए हैं, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन वो ज्ञान पचेगा कब, जब भागवत की कथा के रस को पिएंगे तब। ज्ञान पचने के लिए भी भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए अपेत कृत्य होते हुए भी पीते हैं, अनुपेतम अपेत कृत्यम। कुछ जरूरत नहीं थी तो चल पड़े घर छोड़ के, जन्म हुआ निकल पड़े। अब पिताजी महाराज पीछे पीछे, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, अभी तो तू धरती पर आया, अभी तो मुझे पिता के कर्तव्य पूर्ण करने हैं, अभी तो तेरे संस्कार करने हैं,
अभी तो कई प्रकार के रीति रिवाज बाकी है, तू कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पीछे पीछे द्वैपायन व्यास जी रोकते हुए कि रुक जा बेटा रुक जा, कहीं मत जा कहीं मत जा। जब जाने लगे तो पुत्र चला जा रहा है, अपेत कृत्य है, पिताजी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुके सुखदेव जी। पर सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मेरे पिता जो इतना ज्ञान देते हैं पूरे संसार को, सबको भटकाव के रास्ते से बचाते हैं, आज उनको पुत्र के मुंह में ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, इनको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो वहां पर श्लोक में कहा गया कि पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु, मतलब जब रास्ते में जाने लगे व्यास जी तो रास्ते में जो वृक्ष लगे हुए थे, जो पेड़ लगे हुए थे, उन वृक्षों ने व्यास जी को कुछ बताया, कुछ समझाया, कुछ बोले वृक्ष व्यास जी से। तर्व वृक्षाह अनिभेदु, वृक्ष भी बोल गए। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं ये कोई बात होती है क्या, कभी पेड़ कुछ बोलते हैं क्या, पेड़ पौधे उनके पास तो वाणी ही नहीं है, उनके पास तो आवाज ही नहीं है, फिर वो क्या समझाएंगे, वो क्या बोलेंगे। लेकिन यही बात को तो समझना है कि वाणी से किसी को समझाना और सिखाना, अपने आचरण से किसी को समझाना और सिखाना महत्वपूर्ण है। योग में भरे हुए उनका दुख दूर हुआ, वियोग दूर हुआ, और माननीय कि सुखदेव जी ने ही वृक्ष के रूप में उनको समझाया। इसलिए तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि, जैसे परमात्मा है वो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, वैसे ही सुखदेव जी भी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं, वो सबके हृदय में रहते हैं, और इसलिए उनको परमात्मा स्वरूप कृष्ण स्वरूप मान के प्रणाम किया गया है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि, तो मतलब भागवत का मूल, जो सबसे मूल विषय है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो यही है कि परमात्मा की भक्ति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए सर्वभूत हृदय में, सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करने की दृष्टि मिल जाए, और सब में ईश्वर दर्शन करते हुए अपने कर्म हम करते चलें, तो ये इस प्रकार से जीवन जिया जाएगा, तो यही जीवन जीना है। भक्ति प्रकरण में हम देखते हैं, इस भक्ति प्रकरण की मूल बात मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानव जीवन जो है हमको मिला है, बड़े बड़े संत इसके लिए यही कहते हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलने वाली चीज है। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, क्या कहते हैं वो रामचरितमानस में चौपाई में, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, तन पावा, सुर दुर्लभ
सद ग्रंथ ही